बच्चों, हमने और पिच अब तक है ना, अब तक हमने 3.1 के 9 क्वेश्चंस करवा दिए। 10 से आगे अब इस वीडियो में करेंगे, और ये वीडियो आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 पार्ट नंबर 4 से मिलेगा, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से देख लेना, और पेज नंबर मिलेगा आपको 11 नंबर पेज मिलेगा, ठीक है? आपको जब मैं फ़ोटो भेजूँगा तो आप ये क्वेश्चन 11 नंबर पेज पर पाओगे, ठीक है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th अभी नहीं करना है, 10th मैं करूँगा बाद में। ये घड़ी वाले क्वेश्चन है, वॉच वाले क्वेश्चन हैं, ये करेंगे बाद में, ठीक है? दो तीन क्वेश्चन हैं वॉच के, वो इकट्ठे करा देंगे, बाद में करा देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कहते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बेटा क्या कहते हैं। देखो मैं इसको बताता हूँ क्या कहते हैं। ये कोई सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल का क्या कहते हैं, एंगल निकालना है, सेंटर पे एंगल निकालना है। सेंटर ये है इसका, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें निकालना है, थीटा। थीटा हमें फाइंड आउट करना है, और किस में निकालना है, इन डिग्री, ठीक है? किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है हमें, थीटा निकालना इन डिग्री। और हमें क्या दे रखा है, सर्कल का जो डायमीटर है वो दे रखा है हमें 200। सर्कल का डायमीटर 200 तो रेडियस क्या है इसका, 100 हो जाएगा ना। इन्हें क्या रखा है, डायमीटर। देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 200 मीटर था, 200 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर लिखो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर था। तो डायमीटर सेंटर, डायमीटर अगर 200 है तो रेडियस क्या होगा, 200/2 हाफ होता था ना, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क ये है, आर्क इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क एल, ये कितने दे रखा है हमें, 22 सेंटीमीटर रखी है, तो इसके लिखेंगे 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या कहता है, थीटा निकालो, क्या निकालना है, थीटा, तो निकालेंगे थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर, याद है फॉर्मूला, एल कितना है बोलो, एल है 22 और आर कितना है यहाँ पे 100, तो एल बाई आर कितना होगा, थीटा कितना होगा। अच्छा अगर सिर्फ इतना छोड़ोगे तो एंगल कैसे में आता है, रेडियन में, याद है ना आपको, एंगल क्या आता है, रेडियन में आता है। हमें एंगल डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा एंगल के बाद डिग्री में आ गया, ठीक है? इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 25/100। ये क्या हुआ, इसके वाले कहते हैं 22/7 होती कि नहीं होती, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, इसको काट दो, 22 से 22 कट जाएगा, कट जाएगा 5/9, क्या हुआ, ये तो 63/5 डिग्री, ये आ गया डिग्री, ठीक है? इसको कर दो डिवाइड, ठीक है बेटा? देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, 12/3/5 आ जाएगा, ये डिग्री आएगा, है ना? अब देखो 12 डिग्री तो पूरा ऊपर हो गया, और ये क्या 3/5 के ऊपर भी डिग्री लगेगा। अब ये डिग्री फ्रैक्शनल में है, तो क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल देंगे, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये मिनट में हो जाएंगे। ये आपने कर रखा है पहले, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 डिग्री ये कितना होगा, 36 मिनट, ठीक है? क्या आंसर आएगा, 12 डिग्री 36 मिनट इज़ द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? कितना आसान आंसर दे, कितना सिंपल है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11th हो गया। अब करते हैं 12th, देखो क्या कहता है 12th में। ए वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ 180 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री इन ट्रेड, फाइंड इन डिग्री द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द वायर। सेम ऐसा ही है, मैं तो देखो क्या कहता है, एक वायर है उसको बेंड कर दिया गया ऐसे, ये बेंड कर दिया वायर। अच्छा इस वायर की लेंथ कितनी थी, 121 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, 121। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्क तो बोलते हैं, तो यानी एल दे रखा हमें 121 सेंटीमीटर, ये हो गया एल, ठीक है? अच्छा जी, इसको जब हम बेंड कर रहे थे तो कहता है एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल की आर्क बनेगी, इसको जब कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, सर्कल बन जाएगा ना, तो ये सर्कल की आर्क है जिसकी लेंथ 121 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस ना, रेडियस, रेडियस वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा 180 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसने, 180 सेंटीमीटर लेंगे, यानी एल और आर हमें दिया हुआ है। क्या निकालना है हमें, थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा।
थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर, है ना, फॉर्मूला याद रखना है, एल ये है और आर ये है। अच्छा एंगल किस में चाहिए हमें, डिग्री में चाहिए, एंगल किस में चाहिए, डिग्री में, तो इसको डिग्री में बदल दो, तो थीटा इज इक्वल टू 121/180 था, इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे, 180/π से कर देंगे मल्टीप्लाई और ऊपर लगा देंगे डिग्री के लो, तो 121 ये कर देगा, पाई है बट्टे में, तो पाई क्या होता है 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा ये बताओ, 2 से कट देगा 11 से कट देगा, तो 11/2 77/2 डिग्री आएगी, यानी 38 डिग्री कहेंगे लगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा आंसर, इतने देर के इतने 38 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल है, ये दोनों एक जैसा थे, 11 और 12 सेम एक जैसा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट, एक गाय क्या है किसी पोस्ट पे है, मतलब एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाई ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक गाय है वो क्या है बेटा, वो देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, एक गाय है वो क्या करता है, एक यहाँ खुट्टा बंधा हुआ है, खुट्टा है इसके ऊपर, इस रस्से से गाय बंधी, यहाँ पे काऊ है और यहाँ पे क्या है, ये खुट्टा है, ठीक है। और ये गाय जो है क्या 30 मीटर लंबी रस्से से बंधी हुई, इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर, ठीक है। इफ़ द काऊ मूव अलोंग द सर्कुलर अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, कहता है कि काऊ जो है ना, ये काऊ कैसे मूव करती है कि इस रोप को हमेशा टाइट रखती है, तो जब ये मूव करेगी तो क्या होगा, ये सर्कुलर उसमें करेगी मूव, सर्कल बन जाएगा ऐसे, नहीं सर्कल ऐसे, ऐसा सर्कल बन जाएगा, तो कहता है काऊ इस तरह से मूव करती है कि ये रोप हमेशा टाइट रहती है, इसके टाइट रहेगी, तो क्या कहता है, तो कहता है बताओ काऊ कितनी दूर जाएगी अगर एंगल सेंटर पर कितना बने 105 डिग्री का, अगर यहाँ से ये एंगल कितना बने 105 डिग्री का बने, तो यानी एंगल रखा हम 105 डिग्री का, है ना, और रेडियस कितने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का रेडियस है, 30 मीटर का है रेडियस आ गया, एंगल दे रखा है, तो ये कितनी दूर यहाँ से लेके गाय कितनी दूर चलेगी कि ये एंगल 105 डिग्री का बन जाए, तो ये क्या होती है अर्क, एल निकालना है, क्या निकालना है एल, इस बार में थीटा और आर दिया हुआ है, एल निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता था एल बाई आर, तो हमें एल निकालने के लिए क्या करेंगे आर को इधर लेंगे, तो थीटा इंटू में आर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कैलकुलेशन कब होती है, जब एंगल खुद रेडियन में हो, ये एंगल किस में डिग्री में है, तो इसको पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक है ध्यान रखना। एंगल की जगह मैंने 105 लिखा, रेडियस कितने यहाँ पे 30 मीटर लिख दिया, इसको मैंने क्या कहा था अभी रेडियन में बदलो, तो पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे, ये तो हो गया रेडियन में और इंटू में 30, ठीक है। ये तो क्या है, हमने इसको रेडियन में बदला, क्योंकि कैलकुलेशन तभी होगी जब आप इसको एंगल को रेडियन में बदलोगे, तब ध्यान रखना। तो काट दे इसको, 6 कट गया, ठीक है। अब ये किस पे कट देगा, 3 पे कट देगा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना क्या होगा बताओ, 35 बाई 2 इंटू पाई, पाई क्या होता है 22/7, 7 से और कट देगा क्या आएगा 55 मीटर, ये मीटर में था तो मीटर में आंसर आ गया, लो तो क्या आंसर आ गया 55 मीटर, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया 13, सिंपल है ना। 14 मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स के रेडियस का रेशियो निकालना में, ठीक है। एट द सेंटर्स ऑफ विच टू आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री, देखो ये अपने पास दो सर्कल हैं, तो ये हो गया और एक सर्कल मान लो ये हो गया, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस ये है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो एक का रेडियस आर वन मान लेता हूँ मैं, दूसरा रेडियस आर टू मान लिया मैंने, ठीक है। ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, आर वन और आर टू क्या है, इसके दो रेडियस हैं। अब क्या कहते हैं, इनका रेशियो निकालना है, आर वन और आर टू का रेशियो निकालना हमें, क्या रखा है, ऑफ विच टू इक्वल आर्क सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 70 डिग्री, क्या कहता है, इन रेडियस इन सर्कल में दो अर्क इक्वल हैं, मतलब इसकी ये अर्क है ना, ये एल है, तो बेटा इसकी ये वाली अर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी, ये अर्क दोनों इक्वल हैं,
एल और एल मैंने सेम ले लिया, अर्क इनकी इक्वल है, रेडियस का रेशियो निकालना है। और क्या कहते हैं, ये जो अर्क है ना, इसके पहले वाले सर्कल के पे तो 30 डिग्री एंगल बनाती है और इस पे 70 डिग्री एंगल बनाती है, पता लगे आपको। यार क्या करती है, देखो फिर से समझो, दो सर्कल हैं, इनकी अर्क तो इक्वल है, रेडियस का रेशियो निकालना है, आर वन और आर टू का रेशियो निकालना है। और क्या कहता है, ये अर्क जो है ना, इसके पहले वाले सर्कल पे तो 30 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे, और इस पे 70 डिग्री एंगल बनाता है। ये हमें दिया हुआ है, क्या निकालना है, आर वन आर टू का रेशियो निकालना है। तो पहले यहाँ से मैं आर वन निकाल दूँ, आर वन, ठीक है, आर वन निकालता हूँ। आर वन का फॉर्मूला क्या होगा, एल अपॉन थीटा, और आर टू भी क्या होगा, एल बाई थीटा, फॉर्मूला हो गया आर वन आर टू का। अच्छा देखो, आर वन निकालो, आर वन एल एल थीटा कितने है, थीटा 30 डिग्री है ना, आर टू क्या होगा, एल बाई 70 डिग्री। तो आर वन और आर टू का रेशो निकालना है, एल बाई 30 और अपन क्या होगा, एल बाई 70, क्या होगा बताओ, 7/3 जाएगा। ये क्या है, ये एंगल डिग्री में आया, किस में आया, डिग्री में। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्या था, ये 30 और 70 क्या था, डिग्री में थे, तो आर वन और आर टू का रेशो ये आया, ठीक है, किस में आया, डिग्री में आया। तो कोई बात नहीं, आर वन और आर टू का रेशो कितना है, 7:3, ये आंसर, ठीक है बेटा। तो ये आपको करना है, 11 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो 12 क्वेश्चन, नहीं पेज नंबर 12 था ये, और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया अपना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या कहता है, ए रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो ये मानते हैं ट्रैक, कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इस पर एक ट्रेन चल रही है, इसका जो है ना रेडियस देखो मैं 1500 मीटर, ये ट्रैक मान लो यहाँ से यहाँ तक हम अगर मिलाएं तो ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस कितना है, 1500 मीटर, यानी आर दे रखा कितना, 1500 मीटर का रेडियस रखें, ठीक है। अच्छा ट्रेन की स्पीड रखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। तो लिख दूँ मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, ये हमें दे रखी है। तो क्या कहता है, कहता है कि थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड्स, कहता है 20 सेकंड के बाद बताओ कि ट्रेन कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे ये बताना है, ये थीटा निकालना में, कब, जब ट्रेन 20 सेकंड चले, तो 20 सेकंड चले तो ट्रेन का क्या करना है, एंगल निकालना है, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर सेंटर पे, ये बताना है। तो हमें पता क्या निकालना है, मैं बता दूँ क्या निकालना है, हमें थीटा वैल्यू निकालनी है, कब, व्हेन ट्रेन चले कितनी, इन 20 सेकंड्स के अंदर जब ट्रेन चलेगी तो थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर, एल पता होना चाहिए हमें, आर पता होना चाहिए, आर तो दे रखा हमें कितना, 1500, कोई दिक्कत नहीं, आर के लिए तो एल नहीं हमारे पास, एल मतलब ट्रेन कितनी चलेगी, ये जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मान लेंगे 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आती है, मतलब ट्रेन क्या है 20 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है, तो कितनी दूरी तय करी इसने 20 सेकंड में, वो निकाल लो, वही क्या होगा, एल होगा, एल क्या होगा, मैं एल कह दूँ, एल एल क्या होगा, डिस्टेंस, एल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 20 सेकंड्स, ठीक है बेटा, ये हो गया एल। तो हमें क्या करना है, एल निकालना है, तो एल कैसे निकालोगे कि 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन ने, वो है एल, समझ में आया नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक एल है, ये है एल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो करें स्टार्ट। देखो कैसे करोगे, हम मान लेंगे लेट कैल हो गया, चलो देखो हमें क्या रखा, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन रखी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन एक घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, तो लिखोगे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन वन आवर, हाँ भाई वन आवर में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 66 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, रेडियस किस में, मीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लो, तो 66
किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से गुणा कर दो इसको, मीटर हो जाएगा, 66,000 मीटर चलती है ये एक घंटे में, 66,000 मीटर एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब बोलो 3600 सेकेंड, इसको सेकेंड बदल लो, यानी आपने क्या देखा इसमें, मतलब ये हुआ कि इन 3600 सेकेंड्स, एक ओवर में इतने सेकेंड होते हैं सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, जल्दी बताओ, 66,000 मीटर, ठीक है, इन वन सेकेंड का निकालो, वन सेकेंड का निकालो, वन सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, इसको क्या होगा, एक सेकेंड में क्या करेंगे इसको, 3600 सेकेंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई, 3600 सेकेंड में इतना चलती है, तो एक सेकेंड में क्या होगा, इसको 3600 डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे इसको काट देंगे, ठीक है, अच्छा जी, और काट लेंगे, ठीक है, 6 से काट देंगे, 6, ये क्या होगा बताओ, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, और काट लेंगे, 2 से काट देंगे लो, क्या होगा, 55 बाई 3, ठीक है, पक्की बात है ना, ऐसा है। अब देखो ध्यान से, अब बेटा ध्यान से, ये आ गया इतना, क्या आ गया मीटर, तो एक सेकंड में इतना चले गए, हम तो 20 सेकंड का निकालना था, तो ये देखोगे इन 20 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, क्या होगा, इसको 20 सेकंड कर देंगे, क्या भाई, तो कितना आएगा, 1100/3, ये आ गया मीटर, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी एल आ गया, एल एल कितना आ गया, 1100/3 मीटर, सिंपल है ना, बस एल आ गया, आर हमें दे रखा था, आर कितना था, 1500 मीटर, थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर, ठीक है, एल ये है और आर क्या है यहाँ पे, 1500, ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा, है ना, लेकिन हमें एंगल किस में निकालना है, डिग्री में, मैं देखता हूँ, वट एंगल थ्रो, बस ये निपते रखा एंगल डिग्री में है किस में, तो आप सिंपल कर दो, ये लो क्या दिक्कत है, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर देंगे, और अगर एंगल को डिग्री बदलना है तो डिग्री बदल देंगे अगले स्टेप में, 1100 बटन के बाद 300 बटन 1500, है ना, इंटू में क्या होगा, डिग्री बदलने के लिए 180/π से गुणा कर देंगे डिग्री में, तो ये कर देगा 1500 कर देगा, क्या होगा, 11/3 × 15, ये 15 बचेगा, 180 का 22/7, 7 ऊपर जाएगा, ये पूरा डिग्री में जाएगा, काटते हैं इसको, 11 × 11 = 22, ठीक है, और इसको काट देंगे, क्या हुआ, 90, ठीक है, ये क्या हुआ, 6, ये क्या हुआ बताओ, 2, क्या हुआ, 14 डिग्री देगा, क्या हुआ, 14 डिग्री, तो एंगल कितना बनाएगा, 14 डिग्री का, जो ट्रेन है वो क्या करेगी, 20 सेकंड में 14 डिग्री का एंगल कवर करेगी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सिंपल है। अब आ जाओ 16th क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 13 मिलेगा 16th क्वेश्चन, क्या कहते हैं, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड सो एज टू, देखो ये भी आप कर लोगे आराम से, एक सर्कुलर वायर उसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, चलो मैं बता देता हूँ, देखो ये था सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस रखा हम 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने काट दिया बीच में से, इसको काट देंगे, मान लो यहाँ से हमने काट दिया, काटने के बाद क्या करा, इसको ऐसे बेंड कर दिया गया, थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया, थोड़ा इसको ऐसे 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 खोल दिया, तो ऐसे बना गया सर्कल, तो क्या कहते हैं, इसको हमने इस तरह से मूव करा कि ये एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस को ऐसे मतलब हमने बेंड किया है कि इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर जाए, अब इसका जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, 40 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर बन जाएगा रेडियस, तो इस हुक का जो जो सर्कमफ्रेंस हो ना जो रेडियस हो क्या होगा, 40 सेंटीमीटर बन गया, तो क्या कहता है, एंगल बताओ इस हुक का एंगल क्या होगा सेंटर के ऊपर, तो ये होगा ना एंगल, अब हमें ये एंगल निकालना है, इसको काट के इस सर्कल को काट के और थोड़ा ऐसे किया गया है तो ऐसी शेप बन गई, तो कहता है इसका रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो इसका ये एंगल क्या होगा ये बताओ, ठीक है, अब देखो एंगल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें रेडियस और एल चाहिए, ये एल है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है एल, बोलो है ना, ये इसके लेंथ ऑफ आर्क है, एल हमें निकालना है, आर हमें दे रखा है, एल चार, एल आते ही थीटा जाएगा आराम से, अब देखो जब इसको आप काटोगे तो इसकी जो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस है ये, मतलब तार कितना लंबा तार है वो आ जाएगा,
क्योंकि इसी को हमने ऐसे बेंड किया है, तो ये सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो यानी एल क्या होगा, एल एल हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्म क्या होता है, टू पाई आर, टू पाई आर की जगह क्या रखेंगे, थ्री रख देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे सिक्स पाई हो जाएगा। एल आ गया, एल आर आ गया, एल आ गया, तो थीटा क्या होता है बताओ, एल बाई आर, थीटा क्या है यहाँ पे सिक्स पाई, आर कितने यहाँ पे 40। यह एंगल हमें किस में निकालना है, अगर यहाँ से निकालोगे तो एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा, किस में आएगा एंगल, रेडियन में। अगर एंगल डिग्री में निकालना हो तो हम क्या करेंगे इसको बताओ, 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो काट देंगे इसको, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 3 बाई 2 इंटू में 18, ये 3 बाई 2 क्यों आया, मैंने इसको काट दिया दो से, क्या होगा 27 डिग्री देगा, थीटा क्या आएगा 27 डिग्री का एंगल आएगा, है ना, कितना सिंपल है, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, देखो मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय अर्क ज्वाइनिंग द टू टाउन्स, ठीक है, द अर्थ इज रिगार्डिंग एज ए स्फीयर ऑफ इतना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक अर्थ है, अर्थ बिल्कुल सर्कुलर होती है, यहाँ ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे मान लो मेरठ है, यहाँ पे क्या दिल्ली है, तो इनके बीच की जो दूरी वो कितनी है, 64 किलोमीटर रखी है, जब ये दूरी 64 किलोमीटर है तो इसमें ये क्या अर्क का काम कर रही है, तो एल दे रखा हमें 64 किलोमीटर, ठीक है, ये सेंटर का अर्थ है, ये सॉरी अर्थ का सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है हमें, आर कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर, 6336 किलोमीटर अर्थ का सेंटर है, ठीक है, रेडियस हो गया, और रेडियस दे रखा है और एल दे रखा है, क्या निकालना है, ये एंगल निकालना, थीटा, थीटा का फॉर्म क्या होता है, एल अपॉन आर, एल कितने यहाँ पे 64, आर कितने यहाँ पे, ये हो गया आर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, हमें एंगल किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 64 अपॉन 6336 को डिग्री में देने के लिए 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे, तो यह पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 180 बटे 22 बटे 7, पाई क्या वैल्यू कहते हैं 22 बटे 7, तो 22 नीचे 7 ऊपर चले जाएगा, पूरा एंगल डिग्री में आएगा, ठीक है, अब इसको काट दो, दो से काटेंगे 90 आ गया, और देखो और कुछ कट रहा है, ये 9 से कट देगा, 9 से कटेंगे 10 आएगा, 9763 फिर 04, ठीक है, ये 9 से कट गया, अच्छा और कट रहा है, बोलो ये कट देगा 4 से 16, 4 से कट देगा 4 वन जा 4 3 बच गया, 4 7 जा 28, 4 से 116, फिर काट देंगे इसको, 2 से काट देंगे 8, हैं 2 से काटेंगे तो क्या हुआ 88 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये 8 पे कट देगा 11 आ गया, ठीक है, लगा 70 बटा 121 आ जाएगा, ये आया डिग्री में, अब इसको ऐसे भागेंगे तो कंप्लीट डिग्री तो आई नहीं, तो डिग्री तो कुछ आएगी नहीं, तो क्या करेंगे इसको बोलो मिनट बना लेंगे, तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी एंगल मिनट में आएगा, मिनट में, ठीक है, तो क्या बताओ 4200 बटा 121 मिनट, ये आया, ये थीटा के लिए आ रही है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 4200 को 121 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो 3 पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा बताओ 7 बचेगा, और यहाँ क्या होगा 5 बचेगा, है ना, अब क्या होगा 0 उतार लिया हमने, अब किस पे जाएगा ये 4 पे जाएगा, ठीक है 4, और ठीक है कितना बचेगा यहाँ बताओ, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, है 4 पे जाएगा तो क्या होगा, ओहो 48 आ गया बेटा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, तो कितना होगा 6 बचेगा, यहाँ क्या होगा 16 में क्या ये 8 बचेगा, 88 आ गया यहाँ पे, ये मैंने गलती कर दी, तो कितना है बताओ 44 एंड 86 बाई 121 मिनट आई, तो क्या बताओ 34 मिनट 86 बाई 121 ये भी तो मिनट है, ठीक है, अब इस मिनट को बदलेंगे सेकंड में,
60 से गुणा करके सेकंड में चल देंगे लो, तो 34 मिनट। और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 36 आएगा लगभग, देख लेना, नहीं 43 आएगा, 43 के आसपास आएगा। और ये सेकेंड आएगा, यहाँ क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपने ये करना है। तो इसमें इतना कर लो, फिर आगे के जो दो सवाल हैं वो बच गए, किसके, लार्जर हैंड वाले बच गए, है ना, उसके बच गए घड़ी वाले, तो वो करा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें इतने कर लो।